सीतामढ़ी सहित पूरे उत्तर बिहार में पानी ने त्राहिमाम की स्थिति बरकरार रखी है। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से एकदम से बिल्कुल रेड अलर्ट हो गया है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाने वाली जो रूट है रेलवे लाइन की, सैदपुर ट्रैक पर पानी चढ़ जाने की वजह से सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर सीतामढ़ी और नरकटियागंज जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो तकरीबन इसी रूट में भी 5-7 जगहों पर ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से सीतामढ़ी और नरकटियागंज भी ट्रेन की जो रफ्तार है या फिर कह लें कि ट्रेन का आवागमन को बंद कर दिया गया। तमाम यात्री परेशान दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन के आने का, वो तमाम लोग परेशान हैं और हर तरफ लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ जैसे हालात आ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। कहाँ जाना है आपको? मुजफ्फरपुर जाना है। तो ट्रेन क्या बताया, ट्रेन बंद हो गई क्या? हाँ, वहाँ रद्द लिखा हुआ है। ट्रेन रद्द हो गई, तो कैसे जाएंगे आप? समस्या हो गया है, तो कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। लगातार बारिश हो रही है, पहले गर्मी 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 है, ईश्वर पानी दे, और जब इन देवता ने पानी दिया तो पानी पानी हो गया। अच्छी बात है, किसान के लिए तो अच्छी बात है ना, किसान के लिए अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है। इतना पानी नहीं होना चाहिए, होता थोड़ा अवेयर करता कि लोग थोड़ा थोड़ा मोहलत दे पर हो। बरसात से हम लोग निजात पाए और तो भारत सरकार के पास ऐसे कदम है नहीं, वो तो चाइना में है ना। ना तो वो तो चाइना में है, ये है प्लेटफॉर्म पर देखिए पूरा पानी भरा पड़ा है, सफाई सफाई कर रहा है। सीतामढ़ी जंक्शन की स्थिति ये जंग, मतलब आप चाहते हैं कि पानी कम से कम प्लेटफॉर्म के अंदर ना आए। देखिए पूरे घर तो बिल्कुल नरकटियागंज और सीतामढ़ी ट्रैक तो बंद हो ही गया है, वहीं सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर ट्रैक भी बंद हो गया सैदपुर में पानी चढ़ने की वजह से। वहीं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के भी काफ़ी बुरे हालात है, बल्कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा है। जी हाँ, ये सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के अंदर का नज़ारा है, यहाँ पानी है। जी हाँ, मैं आपको क्या बताऊँगी, ये पानी है और स्टेशन के अंदर तक पानी आ चुका है और देख रहे हैं कि लबालब पानी है। पूरे उत्तर बिहार का बुरा हाल है। तमाम नदियाँ जो उत्तर बिहार से होकर गुजरती हैं, तमाम नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर ट्रैक बंद कर दिया गया है, ट्रैक पर पानी चढ़ चुका हुआ है। वहीं सीतामढ़ी नरकटियागंज ट्रैक को भी बंद कर दिया गया है। जो लोग सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाना चाह रहे हैं, या फिर सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर होते हुए या फिर सीतामढ़ी से नरकटियागंज होते हुए बड़ी रूट की ट्रेन पर जाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग सावधान हो जाए, आने से बचे, क्योंकि आपकी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तमाम ट्रेनें रद्द कर देगी। हम चढ़ करके हम अंदर से भी हम हाल ले लेते हैं कि क्या हाल है। एक मिनट थोड़ा सा पूछा सवाल है भैया। ए भाई, एक मिनट थोड़ा बताया जाए, कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं अभी? मुजफ्फरपुर जाने वाली रद्द हो गई है जी, और दरभंगा नहीं जा रही है, और ये रसौल के लिए बरगिने तक की गाड़ी गई है। सिर्फ बरगिने तक जाएगी? ट्रैक में पानी आ गया क्या? हाँ, पानी आ गया। तो ट्रैक पर आप स्टेशन पे पूछताछ काउंटर के लाइन में गड़बड़ी है, पानी आने की वजह से पूछताछ काउंटर मैन से मैंने यहाँ पर सवाल लिया है। सारी पब्लिक जो है परेशान दिख रही है, लोगों का कहना है कि किस तरह से ये स्टेशन बनाया गया कि स्टेशन परिसर में भी पानी है। जी, क्या लगता है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है? तो अंदर पानी कैसे घुस गया? तो बनाने वालों की ये ईमानदारी है कि अंदर तक पानी चला आता है। जी हाँ, चूंकि अगर आप मजबूत काम करेंगे, ठोस काम करेंगे, ठेकेदार पर निगरानी रखी जाएगी, DRM साहब के चश्मे में पावर होगा, तो काम सही होगा और स्टेशन के अंदर बैठे हुए यात्रियों को तो कम से कम असहजता महसूस नहीं करना पड़ेगा। तमाम लोग परेशान हाल बैठे हुए हैं। कहाँ जा रही हैं? क्या वो ट्रेन तो बंद हो गई, आप कैसे जाइएगा? परेशानी है, क्या कहिएगा सरकार से? मजबूत इंतजाम करने के लिए ना, ठीक कथी
केना परेशानी है यहाँ के तो कथी कहे यहाँ सरकार से गड़ी तो आबे न कर ट्रैक तो ढीला हो गए ट्रैक पर पानी चढ़ गए के देखे देते आदमी आई बात सुरक्षित छी यहाँ पानी पानी ही जी हाँ तो हर जगह पानी टपक रहा है। ये तमाम जो आप देख रहे हैं हर जगह आप जहाँ कहीं भी जाएं जहाँ कहीं भी जिस निर्माण को देखें वहाँ पर ठेकेदार साहब की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की और संबंधित विभाग की इतनी मेहरबानी इतनी ईमानदारी है यहाँ कि तमाम बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग इस तरह के जो शेड्स हैं वो सब चू रहे हैं। स्टेशन कैंपस के अंदर पानी घुसा हुआ है, मैसौल ओपी थाना के अंदर पानी घुसा हुआ है, रेलवे ट्रैक बंद है। आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई मजबूत और ठोस उपाय ऐसे नहीं किए जा रहे हैं जिससे आपदा के वक्त निपटा जाए या फिर ये कह लें कि आपदा के वक्त ऐसे सरकारी जगहों पर लोगों को ला करके सुरक्षित रखा जाए। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं जो लोग मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं या फिर मुजफ्फरपुर होते हुए कहीं बाहर निकलने वाले हैं या नरकटियागंज होते हुए बाहर निकलने वाले हैं या दरभंगा होते हुए बाहर निकलने वाले हैं लगभग तमाम रूट की ट्रेनें बंद कर दी गई हैं अगले आदेश तक। सीतामढ़ी एवं उत्तर बिहार शिवहर मोतिहारी बेतिया दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर इन तमाम ज़िलों में पानी लबालब भर चुका हुआ। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, पब्लिक तराई माम में है, सरकारी सिस्टम फेल है, यहाँ तक के ओपी में भी पानी चढ़ चुका हुआ है। देखते रहिए वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार, आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रेन रद्द कर दी गई है।